सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। ये है सुपर स्प्लेंडर और इसके अंदर आ रही है मीटर के अंदर एक साउंड, जैसे ही चाली को क्रॉस करें। सुनिए पहले, ये प्रॉब्लम तभी आती है जब बाइक 40 को क्रॉस करती है। चलिए अब इसको रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है इसका वाइजर जो है हम उसको अलग कर लिए हैं। ऊपर की साइड में दो स्क्रू बोल्ट लगे हैं, उन्हें खोल लीजिए, और नीचे 10 mm के दो बोल्ट लगे हैं, उनको भी आप खोल लीजिए, और इस तरह से इस जैक को अलग कर लीजिए और लाइट अलग हो जाएगी। अब इस मीटर केबल को आपको खोलना है, इस तरह से उसको खोल लीजिए और उसके बाद सबसे पहले जो काम होता है ना, ये केबल होती है ना, इसकी वजह से ये साउंड आ जाती है। तो सबसे पहले जो है आप इस केबल को चेक कीजिए, केबल में कोई जंग वगैरह ना लगा हो। जंग लगा होगा तब भी ऐसी ही साउंड आएगी। देखिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए बजाज प्लैटिना है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी पहले, तो ये जंग की वजह से आ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसकी जो केबल है वो बिल्कुल सही है। तो पहले हम इसके मीटर जो बॉडी है उसको अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको अलग कर लिया। देखिए इसका जो मीटर है उसके अंदर जंग लगा हुआ है। अब इसको ठीक कैसे करना है, चाहे तो आप पेट्रोल के साथ इसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पेट्रोल इसके अंदर डालिए थोड़ा सा, और ये तार का टुकड़ा लीजिए, ये मीटर केबल है कटी हुई, और उसके द्वारा इसको इस तरह से तेज़ी से घुमाइए, थोड़ा घुमाते रहिए और पेट्रोल इसके अंदर थोड़ा डालते रहिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद जब ये थोड़ा फ्री हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल आप इस तरह से डाल दीजिए, और इंजन ऑयल डालने के बाद फिर दोबारा से ऐसे घुमाइए ताकि इंजन ऑयल थोड़ा अंदर चला जाए और ये जो हमारा मीटर है वो थोड़ा फ्री हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो को बिना कटिंग किए ही ये दिखाऊंगा जो इसकी साउंड है वो बंद हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हमें मीटर केबल को इस तरह से लगा लेना है, और उसके बाद ऊपर से भी इसको कनेक्ट कर देना है। चलिए अब वाइजर वगैरह बाद में लगाएंगे, पहले हम देखते हैं जो इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ या नहीं। अब चलते हैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर और कोशिश करेंगे इसको 70 या 80 के आसपास ले जाएं और देख सकें साउंड है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो 40 क्रॉस करके ही आ रही थी। अभी थोड़ा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, ट्रैफिक है हल्का सा, थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगा है। अब चलते हैं, अब रोड खाली है, देखते हैं क्रॉस करता है नहीं। देख सकते हैं बाइक जो है अब 50 क्रॉस कर चुकी है, अब देख सकते हैं ये 70 पे आ चुकी है, और इसका जो मीटर है उसके अंदर बिल्कुल भी साउंड आपको नहीं सुनाई दे रही। देख सकते हैं बाइक 80 पर आ चुकी है, लेकिन जो मीटर केबल है, सॉरी जो मीटर है, उसके अंदर से कोई भी साउंड नहीं आ रही। तो इस तरह से यदि किसी बाइक में ये साउंड आता है मीटर के अंदर, तो आप उसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।